सड़क पर बेवजह घूमते लोगों का पुलिस ने दिखाई सख्ती। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे देश में धारा 144 लागू की गई है। वहीं कई जगहों पर कर्फ्यू का भी आदेश निकाला गया है। ऐसे में गुना शहर में फालतू घूमते लोगों पर पुलिस ने अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दी है। जगह टॉकीज के सामने देर शाम आवारा घूम रहे लोगों को जहां पुलिस ने उठक बैठक लगवाई, वहीं सड़क पर उनसे लुढ़कन भी करवाई। वहीं पुलिस को अपना बल भी प्रयोग करना पड़ा। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, जिसके लिए सभी को एहतियातन घर में रहने की सलाह दी गई है। लेकिन लोग बेमतलब रास्ते पर निकल रहे हैं, जिससे रोग के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोगों पर जो बिना मतलब के सड़क पर निकल रहे हैं और संक्रमण की संभावना बढ़ा रहे हैं, उस पर पुलिस अपना बल प्रयोग कर रही है। मास्क लगा मुंह पे। रात के बाद तू कहा गया है घर पे ही रहेंगे। आपके कपड़े ऐसे ही जा मान के, जब तक मास्क नहीं पहनोगे बिना घूम रहे हो तो तुम्हारे लिए खतरनाक है, सब लोगों के लिए खतरनाक है। उठक बैठक लगा 25 25 लगा उठक बैठक लगा जल्दी 25 उठक बैठक कान पकड़ के गिनती की 25 जल्दी जल्दी वो भरकड़े होकर हमें कोरोना वायरस के चलते आपको ज्ञात है और आपकी पुलिसिंग की सेवा लोगों को रोकने से कैसे रोका जा रहा है, कैसे लोगों का रिएक्शन है? देखिए लगातार अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है और बताया भी जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही बताया जा रहा है, सभी के माध्यम से बताया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे नौजवान लड़के हैं जो बिना कारण घूम रहे थे, उन्हें हम समझाइश दे रहे हैं, सख्ती से समझाइश दे रहे हैं। जिस प्रकार पुलिस में सजाएं दी जाती हैं, उस तरह से सजा देकर उनको समझाइश दे रहे हैं ताकि किसी तरह तो उनको अपने घर में रहे। इसी कारण से भी रात में अलग अलग दल बना के गुना पुलिस निकली है और कार्रवाई में लगातार लगी हुई है। जहाँ भी ये इस तरह के आवारा घूमते हुए पाए जा रहे हैं, इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहेंगे।